हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करने चलेंगे कि जैसे अभी न्यू न्यूज बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, तो पता नहीं है कि कौन से कॉलेज में कैसे एडमिशंस ले, कि क्या कैसा चल रहा है। तो सबसे बेस्ट तरीका है कि वहाँ के बच्चों से बात करो। तो जैसे अभी है अंकसुमन है, वो सर्बिया गया, ट्रांसफर लिया, तो अभी उससे बात करवाता हूँ। फिर जो जो मेरे दोस्त जहाँ जहाँ ट्रांसफर लिए हैं, मैं उससे बात करवाऊंगा, क्योंकि अब जो न्यू एनएमसी के रूल्स के अकॉर्डिंग, एक बार जब आप किसी कॉलेज में चले गए, फिर वहां से आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। तो बेटर है कि आप सोच समझ के सबसे बेस्ट कॉलेज में जाए, और क्योंकि जब आप एजेंट से बात करोगे, उसके लिए तो हर एक कॉलेज बेस्ट है, जो उसके अंडर में है वो कॉलेज उसके लिए बेस्ट ही है। तो बेटर है कि आप वहाँ के स्टूडेंट से बात करें कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले अंशुमन के बारे में बताता हूँ। तो अंशुमन वो अपना शॉर्ट इंट्रो देंगे, उससे पहले बता देता हूँ, अंशुमन यूनिवर्सिटी ऑफ निस सर्बिया में पढ़ रहे हैं, जो कि पहले मेरे साथ यूक्रेन में टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में साथ थे, और मेरा रूममेट था अंशुमन। तो चलो, तो अंशुमन आपका एक शॉर्ट इंट्रो हो जाए। ओके यस थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल मिशेल, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ओके तो माय सेल्फ अंशुमन शर्मा, मैं असम से हूँ। और प्रीवियसली जैसे कि निशु ने बोला कि हम लोग टर्नोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में थे, अभी तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ निश सर्बिया में पढ़ रहा हूँ एंड आई एम इन माय थर्ड ईयर ऑफ स्टडी एंड दैट्स इट। तो अपन लोग बात कर लेते हैं ब्रदर, यूक्रेन स्टोरी कैसे अपन लोग, आप यूनिवर्सिटी ऑफ निस में गए और कैसे मैं सेमी मेडिकल यूनिवर्सिटी में आया, उसके बारे में तो यूट्यूब पे पहले से ही आप अपना पहले बता दे कि यूनिवर्सिटी ऑफ निस में कैसे गए। ओके तो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एग्जाम्स, लाइक लास्ट ईयर जब एग्जाम्स खत्म हुए तो सबके मन में यही चल रहा था कि अब क्या करना है, यूक्रेन जाना है कि नहीं जाना है, कि ट्रांसफर लेना है। तो मैं तो ठीक कर लिया था कि यूक्रेन तो नहीं जाना है अभी, मतलब ऐसे सिचुएशन में, और मेरे पेरेंट्स भी नहीं बोल रहे थे कि यूक्रेन जाना है, तो इसलिए मैंने अप्लाई किया। पाकिस्तान में देखा, फिर रशिया में देखा, उज्बेकिस्तान में देखा, और सर्बिया में मैंने लास्ट एकदम सबसे लास्ट में देखा। और मुझे सर्बिया में एक्चुअली ये अच्छा लगा क्योंकि बहुत सारे एडवांटेजेस थे इसमें। फर्स्ट टाइम था एजेंट्स के लिए भी, फर्स्ट टाइम था सर्बिया, नया था हम लोगों के लिए भी, नया था, तो थोड़ा टाइम लगा, बट एट लास्ट हम लोग मतलब आ गए सर्बिया और मतलब सब कुछ ठीक से हो गया। तो अंशुमन बताओ कि फिर यूनिवर्सिटी ऑफ निस ही क्यों चूज किए तुम, क्योंकि ओके सो यूनिवर्सिटी ऑफ नीस, यूनिवर्सिटी ऑफ नीस चूज करने के एक्चुअली कई रीजंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये सर्बिया का जो एजुकेशन है वो एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट, मतलब इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में वन ऑफ द बेस्ट एजुकेशन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, और ये सर्बिया एक यूरोपियन यूनियन का पोटेंशियल मेंबर है, ऑल्दो इट्स नॉट अ फुल मेंबर बट इट्स अ पोटेंशियल मेंबर, सो डिग्री काफी स्ट्रॉन्ग। जो यूनिवर्सिटी है उसमें लाइक एक लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रखे जाते हैं, सो इससे क्या होता है कि एजुकेशन में काफी फोकस होता है, जो टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है वो काफी कम होता है, विच इज एक्चुअली गुड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो करिकुलम था, करिकुलम भी मैच कर रहा था एक्चुअली, क्योंकि लाइक बाकी बाकी अगर चीजों से देखें तो करिकुलम काफी मैच कर रहा था। और एंड ऑफ कोर्स व्हेन यू स्टडी अब्रॉड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज एक्सपोजर, तो एक्सपोजर यहाँ पे ज्यादा था, तो इसलिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नीस चूज किया। तो ब्रदर यूनिवर्सिटी ऑफ निस चूज किए तुम, तो सर्बिया में अभी कौन कौन सा यूनिवर्सिटी है जिसमें इंडियंस का एडमिशन हो पा रहा है, हाँ क्योंकि जब मैं अप्लाई कर So, रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ निस के लिए तो पता चला है कि यूनिवर्सिटी ऑफ निस में लिमिटेड सीट है, see, 66। when I'm, yes, so yes, you are true, you are right actually. सिर्फ 60 सीट्स ही है। और फॉर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन से यूनिवर्सिटीज है, एक्चुअली मेनली इफ यू आस्क मी अबाउट इंडियन स्टूडेंट्स, एक्चुअली अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात बोलूंगा, फॉरेन स्टूडेंट्स सबके लिए बोलूंगा, तो टोटल 4 यूनिवर्सिटीज है। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ बेलग्रेड, नंबर 2 यूनिवर्सिटी ऑफ निश, थर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद,
और फोर्थ है यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवाक। हम्म, तो मैं यूनिवर्सिटी ऑफ नीश में हूँ। तो ये चार जो यूनिवर्सिटीज है ये लोग इंग्लिश में फॉरेन स्टूडेंट्स को स्टडीज पर सिखाते हैं, पढ़ाते हैं। द एक्सपेंसिव कॉलेज तो बेलग्रेड का यस एग्जैक्टली है, एग्जैक्टली। और सबसे सबसे कम सबसे पैकेज में। एक्सपेंसिव है, हाँ सबसे एक्सपेंसिव जो है वो बेलग्रेड है, और सबसे कम जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवाक है। इसका जो फीज है इट्स 5,000 यूरोज, तो ये सबसे कम है। ओके, और यूनिवर्सिटी ऑफ निस का फी कितना है? नीश का फी पहले जब हम लोग आए थे तब 5,500 यूरोज था, तो अभी तो इसको इंक्रीज कर दिया गया है क्योंकि ऑफ कोर्स लिमिटेड सीट्स है, तो नाउ इट्स 6,000 यूरोज पर ईयर। ओके, तो इफ ब्रदर देखा जाए कि क्लिनिकल एक्सपोजर और सब कुछ मिला के, तो अकॉर्डिंग टू यू विच यूनिवर्सिटी वुड बी बेस्ट फॉर न्यू स्टूडेंट जो एडमिशन ले रहे हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ नीस, क्राजुवाक और नोविसाद, कौन सा बेस्ट होगा आपके नज़र से जो सर्बिया जाना चाहते हैं? मैं आई एम स्टडिंग इन निश, सो ये तो अच्छा ही रहा है। लाइक क्लिनिकल एक्सपोजर से लेके क्लासेस तक, मतलब इट्स वेरी गुड। सो मेरे मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है जो यूनिवर्सिटी ऑफ क्रागुएवाक है, मैं पर्सनली तो वहाँ पे कभी गया नहीं, लेकिन मेरे फ्रेंड्स कुछ गए हैं तो उनसे ये मुझे सुनने में आया कि इट्स गुड। वहाँ पे लाइक क्वालिटी एजुकेशन है, ये काफी अच्छा है। मतलब ऐसा मुझे सुनने में आया कि अच्छा है। और जहाँ तक मैंने देखा है कि नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं एक्चुअली उस यूनिवर्सिटी में, सो उसमें भी दैट्स अ तो साइन एक्चुअली। इंटरनल उसमें भी तो हाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स 59 सीट्स ही हैं, उसका यस स्क्रीनशॉट यस यहाँ यस डाल दूंगा। हाँ, और हाँ एंट्रेंस यस यस एग्जाम के थ्रू होता है, यस और यस सेवेंटी फाइव इट्स मैंडेटरी। या इट्स मैंडेटरी फॉर ऑल द यूनिवर्सिटीज यहाँ पे, कि एंट्रेंस आपको आज जो एक एग्जाम देना टेस्ट पड़ेगा। देना होता है। हाँ यस एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो ब्रदर, और फिर इफ बात करें कि लोकल वहाँ के लोकल्स का इंट्रैक्शन और एटीट्यूड क्या है अपने इंडियंस के प्रति, तो उस पर क्या बोलोगे आप? इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ यूक्रेन। लाइक मैं तो मतलब एक ही लाइक जस्ट सिंपली मैं ये बोलूंगा कि इट्स कंप्लीटली ऑपोजिट टू दैट ऑफ यूक्रेन। यहाँ पे लोग जो है वो काफी फ्रेंडली है एक्चुअली, एंड यू नो दे लाइक इंडियंस, उनको इंडियंस पसंद है। दे नो अबाउट आवर मूवीज, दे नो अबाउट आवर बॉलीवुड स्टार्स, उनको हमारे बहुत लोगों को हमारे कल्चर के बारे में पता है, शिव जी और राम जी के बारे में पता है उन लोगों को। तो ये काफी अच्छा है। एंड सर्बिया एज अ होल इज एक्चुअली अ वेरी वेलकमिंग कंट्री। लाइक मैं जिस दिन आया उस दिन से लेके आज तक, इट्स नाउ 6 months, इट्स मोर देन 6 months नाउ, मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सुना कि इंडियंस खराब है या फिर इंडियंस ने ये कर दिया, इंडियंस ने वो कर दिया। मतलब हमेशा एक वेलकमिंग जेस्चर मिला है सर्बियंस की तरफ से। और मतलब रिसेंटली मैंने घर शिफ्ट किया था, मैं एक दूसरे घर से इस घर में आया, तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब उस ओनर ने मुझे कुछ खराब किया या फिर मेरे आने के टाइम पे कुछ मेरे साथ धोखाधड़ी किया, कुछ नहीं। मतलब नॉर्मली अभी भी हम उनसे बात करते हैं तो नॉर्मली दे टेक एवरीथिंग वेरी सिंपली, एंड मेन थिंग इज दैट दे लाइक इंडियंस। दैट्स एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स। इफ वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में यस बात यस किया जाए दे तो लोग हाँ, इफ वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में बात किया जाए तो वर्ल्ड रैंकिंग में कहाँ स्टैंड करता है सर्बियन यूनिवर्सिटीज? हाँ यूनिवर्सिटी ऑफ नीश जो है, इफ वी सी द वर्ल्ड रैंकिंग तो इट्स आई गेस इन इन इट्स आई गेस 1402, इसका वर्ल्ड रैंकिंग 1402 है। एंड इट्स एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली मेडिकल एजुकेशन, बट एक्चुअली जो फैकल्टी है वो एक्चुअली फैकल्टी ऑफ मेडिसिन है। यूनिवर्सिटी ऑफ नीश एक कंप्लीट यूनिवर्सिटी है, इसमें दूसरे फैकल्टी एज अ होल इसका रैंक आई गेस 1402 पे आता है। एंड एज फार एज आई नो मेडिकल यूनिवर्सिटीज की लिस्ट में वर्ल्ड रैंकिंग में जो यूनिवर्सिटी
है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ उसका कराकोरम। आई थिंक यूनिवर्सिटी ऑफ नीश से शायद अच्छा है उसका रैंकिंग. हाँ, जब मैं गूगल पे देख रहा था तो उसका वर्ल्ड रैंकिंग 1201 था यूनिवर्सिटी ऑफ कराकोरम में। हाँ मैंने भी देखा था, तो मुझे भी यही दिखा उसका रैंकिंग नीश से अच्छा है. एंड एक्चुअली इट्स गुड. मैं नेगेटिव तो कुछ सुना नहीं इस यूनिवर्सिटी के बारे में. तो ब्रदर, इफ न्यू स्टूडेंट्स जो जाते हैं, क्योंकि जैसे रशिया है, यूक्रेन है, इसमें तो इजीली एडमिशन हो जाता है ना, कि जाओ नीट का मार्क्स दो, ऐसे ऐसे करो। लेकिन वहां पे टोटली डिफरेंट स्टोरी है, कि ट्रांसफर वालों के लिए नहीं, न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो न्यू स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स में अपेयर होना पड़ता है। तो एग्जाम का सीन पता है, कैसे एग्जाम होता है, क्या क्या सीन है? मेरे को जितना पता है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरा जो रिसर्च है, मेरे को जितना सुनने में आया, वहां पे बायो का एग्जाम्स होता है, और बायो और केमिस्ट्री का एग्जाम्स होता है। और उसका सैंपल पेपर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कि ब्रदर सैंपल पेपर ऐसा आता है, तो आप देख लेना। तो जो आपको इसके अलावा जो पता है उसके बारे में आप बता दो, एग्जाम्स के बारे में, एंट्रेंस एग्जाम कैसा होता है वहां पे मिडिल स्कूल के लिए। हाँ, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है, ऑल्दो हम लोग ट्रांसफर स्टूडेंट्स हैं, हम लोग तो फ्रेश नहीं है, तो जहाँ तक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से मैंने मैंने बातचीत किया था, तो उन्होंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम वी कांट से, मतलब ऑफ कोर्स नीट लेवल का तो नहीं है, आपका मतलब जो बेसिक नॉलेज चीजों का, 11 12th का आपका बेसिक नॉलेज होना चाहिए चीजों का. एंड एक्चुअली उसका रिफ्लेक्शन हम लोगों के एग्जाम्स में देखते हैं. दे डोंट फोकस मच ऑन, लाइक दे डोंट फोकस मच ऑन लाइक वेरी डीप थिंग्स. उनको उनको ये चाहिए कि बेसिक थिंग्स आना चाहिए. अगर अगर कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है, वो इंसान को आना चाहिए, वो स्टूडेंट को आना चाहिए. तो वो चीज मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स से बात किया, उन लोगों ने भी कहा कि यूनिवर्सिटी से वो बेसिक थिंग्स को देखता है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसा है. तो और वो चीज एक्चुअली बाकी एग्जाम्स में भी हम लोग देख सकते हैं. तो सो एज यू ऑलरेडी सेड अबाउट दी सब्जेक्ट्स, तो दैट्स बायो एंड केमिस्ट्री. इंग्लिश, अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश का इन लोगों का एक मैंडेटरी एग्जाम होता है जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर उन दोनों बैचेस को देने होते हैं. आई डोंट आई हैव नो आइडिया एक्चुअली, आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंग्लिश, बट होगा भी तो इट्स आई थिंक इट्स क्वाइट इजी, बिकॉज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का जो इंग्लिश एग्जाम होता है वो ग्रामर बेस्ड होता है, ग्रामर बेस्ड ही होता है, एंड इट्स वेरी इजी एक्चुअली. जब बात करें टीचर्स का, तो जब आप फॉरेन में हैं, जैसे बाल्कन कंट्री है, सोवियत कंट्री है, तो इसमें आपको सभी टीचर्स गुड इंग्लिश, बहुत अच्छे इंग्लिश बोलते नहीं देखेंगे। लेकिन वहां पे क्या सीन है कि टीचर्स का इंग्लिश कैसा है, क्योंकि जब अपन लोग यूक्रेन में भी थे, तो किसी किसी टीचर का इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छा था, लेकिन किसी किसी का ठीक ठीक था, सो सो। तो वहां कैसा है? हाँ, यहाँ पे ये चीज एक्चुअली ये एक मेजर एडवांटेज है फॉर दो स्टूडेंट्स जिनको सर्बियन नहीं आता, और फिर जो लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उनके लिए एक मेजर एडवांटेज ये है कि टीचर्स को यहाँ पे इंग्लिश आता है, और ऐसा नहीं कि टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हैं, अच्छे इंग्लिश बोलते हैं टीचर्स. क्योंकि यहाँ पे मैथ स्कूल्स में सर्बियन स्टूडेंट्स के लिए भी इंग्लिश मैंडेटरी सब्जेक्ट है, मैथ स्कूल में भी, हाई स्कूल्स में भी इंग्लिश इज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट. सो जितने भी टीचर्स हैं, जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो फॉरेन टीचर्स भी है कुछ जो लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उनको तो इंग्लिश ठीक है. ऑफ कोर्स फॉरेन फॉरेन टीचर्स को भी तो आता ही होगा, ऑफ कोर्स आता ही है क्योंकि वो लोग फॉरेन से ही आए हैं, और यहाँ के जो लोकल टीचर्स हैं उनको भी इंग्लिश आता है क्योंकि वो लोग पढ़े हुए हैं इंग्लिश. सो इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली लैंग्वेज का. लाइक यूक्रेन में तो ये था, एज यू ऑलरेडी सेड, कि कुछ मैक्सिमम टीचर्स अच्छे बोल लेते थे, लेकिन कुछ टीचर्स कुछ का कुछ टूटा फूटा टाइप का था. हाँ, टूटा फूटा टाइप का था, लेकिन यहाँ पे वो चीज नहीं है एक्चुअली. यहाँ पे इंग्लिश हर किसी को आता है, और सिर्फ टीचर्स को ही नहीं, लोकल लोगों को भी आता है. सो इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज, लोकल्स कैन स्पीक इंग्लिश, सो दैट्स अ मेजर मेजर एडवांटेज एक्चुअली. वहां तो अपना टाइम निकल जाता था स्किल के कॉस्ट, तो इसी में कि भाई किसी शॉप में जाओ तो ब्रदर अब स्किल के कॉस्ट तो, स्किल के कॉस्ट तो करते रह जाते थे भाई। सामने वाले को कार्ड तक समझ नहीं आ रहा है ना, अपन लोग को करना पड़ता था वो स्ट्रगल। वहां ऐसा स्ट्रगल नहीं, वहां मोस्टली नहीं सब नहीं
इंग्लिश यहाँ पे हाँ स्पीकिंग में। मैं 99% लोग मतलब अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे, और जो रिमेनिंग 1% है उन लोगों को अगर नहीं भी बोल पाए तो समझ में तो आता ही है। तो वहाँ तो फिर तो टूरिज्म अच्छा होगा। तो टूरिज्म का वहाँ क्या सीन है वहाँ पे, कि टूरिज्म का देखो पढ़ाई तो चलो चलता रहता है, लेकिन बच्चे घूमने जाए, नाइट लाइफ कैसा है वहाँ का? एक एक फन फैक्ट, अच्छा बेलग्रेड का नाइट लाइफ वर्ल्ड का थर्ड बेस्ट नाइट लाइफ है। फर्स्ट इज लॉस एंजलिस, सेकंड इज सेकंड आई थिंक कैलिफोर्निया, आई डोंट नो, थर्ड इज बेलग्रेड। ऐसा ही सो लवीव लवीव के इफ बारे में कहा जाता था। जब हम लोग लवीव गए थे तो बोला हाँ यूरोपियन यूरोप साइड में सबसे बेस्ट नाइट लाइफ है लवीव का। ऐसा फैक्ट था, और कहाँ तक सच था ये पता नहीं है, लेकिन वाकई लवीव का नाइट लाइफ बहुत ज्यादा अच्छा था। यूक्रेन का तो नाइट लाइफ बहुत ही लेकिन ज्यादा अच्छा था, वो तो उसका यस कंपेयर ये लोग कंट्री नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो चलो ये तो मौज मस्ती का बात हुआ वहां पे। तो जब बात करें तो स्टडी पैटर्न कैसा है वहां पे, कमिटी वाइज है या सब्जेक्ट वाइज है? हाँ सो स्टडी पैटर्न इज एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज। तो हर एक सब्जेक्ट का आपको एज पर जो हम लोग का नॉर्मल स्केड्यूल चलता है उसके हिसाब से चलेगा। इट्स नॉट कमिटी वाइज, इट्स कम्प्लीटली सब्जेक्ट वाइज। सो एंड जैसे या कमिटी इट्स सब्जेक्ट मत वाइज। कमिटी वाइज नहीं पता है तो उसको बता दे आप, कमिटी वाइज क्या होता है? हाँ सो कमिटी वाइज इज बेसिकली फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसिडर नर्वस सिस्टम। ओके सो नर्वस सिस्टम में ऐसा है कि तो उसमें नर्वस एनाटॉमी भी पढ़ाएगा, हिस्टोलॉजी भी पढ़ाएगा, फिजियोलॉजी भी आएगा, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री भी आएगा, सब कुछ आएगा, फार्माकोलॉजी भी आएगा। दैट इज कम्युनिटी वाइज। सो कमिटी वाइज, सॉरी कमिटी वाइज, दैट इज कमिटी वाइज। बट सब्जेक्ट वाइज इज लाइक जैसे कि हम लोग नॉर्मल स्कूल्स में पढ़ते थे। एनाटॉमी हाँ का एक सब्जेक्ट इस टाइप से होता है, यस, एनाटॉमी का एक सब्जेक्ट, हिस्टोलॉजी एक और सब्जेक्ट, बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट, इस तरह से। यस तो जब अपन लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो एग्जाम पैटर्न कैसा है वहाँ, कैसा है, हार्ड है, डिफिकल्ट है, सॉरी इजी है, डिफिकल्ट है, कैसा है उधर पे एग्जाम्स? यस, एग्जाम्स का यहाँ पे एक्चुअली बहुत ही डिफरेंट पैटर्न है। इट्स मैंने ऐसा मतलब पहले मैंने ऐसा किसी भी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा है। यहाँ पे बहुत डिफरेंट है एंड आई थिंक।